सैफ, आपका सुबह सवेरे में एक बार फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग सारे देखने वालों को। सैफ, आज बातचीत का सिलसिला हम आपकी हॉबीज, आपके शौक से करते हैं। आपको पोएट्री से कितना लगाव है और कोई आपका फेवरेट पोएट है? हाँ, फैज एंड गालिब। आई एम टॉकिंग रबिश। ये मेरी दादी पढ़ती थी और मेरा अब्बा पढ़ते हैं। ये कोई उम्र है इन चीज़ों को पढ़ने का? नहीं, आई एम रेड अ लॉट ऑफ वेस्टर्न पोएट्री क्योंकि मैं वहीं पढ़ा था, मैं क्या करूं। लेकिन सुनने कहते हैं, मेरे अब्बा कहते हैं कि फैज इज़ अ फिनोमिनल पोएट। और पढ़ने जाएं तो कुरान शरीफ भी कमाल की पोएट्री है। सैफ, हमें ये बताइए कि आप अपना खाली वक्त कैसे गुजारते हैं और जब खाली होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? पास टाइम, मतलब जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट है मुझे। म्यूज़िक में गिटार खेलता हूँ और या बजाता हूँ, कंप्यूटर गेम्स, सर्फिंग इंटरनेट, किताबें पढ़ना, पिक्चरें देखना। आपको मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है ये सब खेलने के लिए? ओके, जब वक्त मिलता है, जब शूटिंग नहीं होती है तो बॉम्बे जिम खाना इज़ अ ग्रेट क्लब, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग देयर, द शूटिंग क्लब। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टारगेट शूटिंग in Worli, that's a great thing I do. And then at home, the whole day, I'm telling you, I can computers, books, all these things. Saif, ab baatein karte hain filmon ki, ye bataiye ki aapki pasandeeda videshi film kaun si hai? Haan, foreign films bhi hai, matlab Godfather hai, aisi kafi film hai, lekin foreign films mein Hindi films se itni alag hai na, ki koi fayda nahi compare karne ka. Aur ek zamana tha jab main sochta tha, ye picture banani chahiye shayad, aisi kuch karne, lekin bani nahi sakti, kyunki hamare, matlab, पहले जैसे वास्तव में उन्होंने हीरोज़ का बोलने का ढंग बदला, जैसे आम आदमी सड़क पे बोलता है, वैसे अगर आपका कैरेक्टर बोले तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि क्या हो रहा है। और हॉलीवुड फिल्मों की ये खासियत है कि वो बहुत अच्छी तरह लिखी जाती हैं, उनके डायलॉग्स हर पिक्चर में अलग डायलॉग्स होते हैं। मतलब एक पिक्चर में अगर आदमी अमीर है तो ऐसे बात करेगा, गरीब है तो ऐसे बात करेगा, गाली देगा तो ऐसे देगा। हमारे यहाँ तो हम एक काफ़ी सालों से वही स्टाइल में डायलॉग्स बोल रहे हैं और वो आज के ज़माने में थोड़ा बदल रहा है और नेचुरली लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये बहुत रियल लग रहा है। कि ज़्यादातर हम जैसे फिल्मों में हीरोज़ बात करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं करते ना। विदेशी फिल्मों के बाद अब हिंदी फिल्मों की बात करते हैं। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन रही हैं? हिंदी फिल्म से आई थिंक फेस मधुबाला एंड you know, like body and face is Zina Taman. And as like an actress, I don't know, hard to say really. Let's say Amrita Singh. Saif, ye bataiye ki Hindi filmon ke आपके पसंदीदा सीन कौन से हैं, ऐसे सीन्स जो आपको हमेशा याद रहते हैं? ओके, देन वास्तव अगेन, द सीन व्हेन संजू इज टेलिंग और व्हेन रघु इज टेलिंग हिज मदर एट द एंड दैट वेदर शी कैन गेट हिम सम अल्कोहल और वेदर शी कैन सेव हिम और व्हाट, ही डजंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एनीमोर। आई थॉट दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन्स आई हैव सीन रिसेंटली। वी शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट मदर इंडिया नाउ। या यू नो, वी शुड टॉक अबाउट टुडे लिटिल बिट। We all respect the old classics, but so, I mean, it's nice that we got something to talk about today also. आइए अब आप बात करते हैं आपके co-stars के बारे में। आपको क्या लगता है, कौन से heroine आपको सबसे ज़्यादा compliment करती हैं? काजल के साथ काम करना बड़ा अच्छा लगा और उनकी mentality भी मुझे compliment करती है। आप कितने बजे सुबह सोकर उठते हैं? नहीं, जब मुझे मतलब दिन में अगर कुछ नहीं करने के लिए, मैं सोता हूँ 8 घंटे लेकिन अलग अलग टाइम्स पे। मैं कभी कभी सुबह 7 बजे सोता हूँ और दोपहर के 1 बजे उठता हूँ या 2 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन सोया मैं 8 बजे। उस वक्त तक कुछ कर रहा था मैं, या तो कंप्यूटर पे या पिक्चरें देखते हुए या किताब पढ़े जा रहे हैं क्योंकि कुछ ख़ास है नहीं करने को सुबह। और कभी जब होता है तो सुबह 7 बजे उठ के काम पर चले जाता हूँ। और सैफ, अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, तो आपको ब्रेकफास्ट या नाश्ते में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? फ्राइड एग्स ऑन टोस्ट मेरा फेवरेट नाश्ता होता है। कभी कभी सिर्फ लस्सी।
सिर्फ ये बताइए कि खाने में आपको क्या अच्छा लगता है, दोपहर में या रात में? नहीं, कुछ फेवरेट तो नहीं है, आई सपोज बटर चिकन एंड नान, वो सिरका वाला नींबू के साथ। लेकिन अभी दोपहर को बॉम्बे में इतनी गर्मी होती है तो ज़्यादातर दाल चावल और कांदा जो बोलते हैं यहाँ पे प्याज को, उसकी खाने की आदत बड़ी लग गई बॉम्बे में। सैफ, आपने तो बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे आउटडोर लोकेशंस पे गए हैं, तो इन सारे आउटडोर लोकेशंस में आपको सबसे ज़्यादा कहाँ शूटिंग करना पसंद है? राजस्थान, विदाउट अ डाउट राजस्थान, एंड मे बी लाइक आई सेड पार्ट्स ऑफ कुल्लू मनाली, रोहतांग के पास बहुत खूबसूरत जगह हैं राजस्थान, जैसलमेर और उदयपुर राजस्थान में। सैफ, आजकल आप जो फिल्म कर रहे हैं ये बताइए, वो आपके लिए, आपके फिल्मी जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? हर फिल्म इम्पोर्टेंट होती है हमेशा, वरना करते क्यों? फिल्म क्या कहना, ये किस तरह की फिल्म है, इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। वेल आई सपोज क्या कहना, एक फैमिली ड्रामा है इन अ वे, इट्स ऑल्सो अ लव स्टोरी, इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी, इट्स द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु बिकम्स अ वुमन, एंड आई एम प्लेइंग अ मैन और अ बॉय फ्रॉम कॉलेज इन हर लाइफ हु changes her life in various ways so that it can never be the same again. Saif, subah savere humse baatcheet karne ke liye aapka bahut bahut shukriya, aapke sath baatcheet ka silsila hum kal bhi jari rakhenge. Sare darshakon ko mera dhanyawad and goodbye. Saif, subah savere mein aapka ek baar phir se swagat hai. Namaste, bataiye kya sawal hai. Saif, ye bataiye kya aap exercise karte hain, kasrat karne mein yakeen rakhte hain? Ha, kafi. एवरी डे ज़रूरी होता है दिमाग के लिए और हेल्थ के लिए। सैफ, क्या आपका कोई फेवरेट बुक या फिर फेवरेट ऑथर है? आई यूज़्ड टू रीड एन रैंड, द फाउंटेन हेड एंड ऑल दिस, एंड ट्रैशी रीडिंग, या आई रीड अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम सीरियस लिटरेचर टू रबिश, इवन रबिश इज़ गुड फन समटाइम्स, rubbish matlab some pg woodhouse, it's not rubbish at all but it's not intellectually very heavy, because I was an english student to school college ke baad thoda hangover raha hai ki serious kitabein padho, lekin it's not that interesting most of the time, I'd rather read something fun. Kya saif aisi koi jagah hai jahan chuttiyan bitana ya jana aapko hamesha hi acha lagta hai? North india mujhe bahut acha lagta hai, जैसे इस बार हम लोग देहरादून गए थे कुछ दोस्तों से मिलने, तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे बर्फ़ देखना है, तो किसी ने कहा कि धनौल्टी में बर्फ़ गिर रही है जो देहरादून से 3-4 घंटे का रास्ता है, तो हम लोग वहाँ तक गए गाड़ी में। वैसे मैं दुनिया तो घूम चुका हूँ लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ कितनी खूबसूरत जगह हैं, कश्मीर के पास, लद्दाख, तो हिमालयाज इज़ माई आइडियल थिंग, बट लेकिन वहाँ अपनी बीवी को ले जाते एक आध दिन के बाद मार पड़ेगी कि थोड़ा रफ है, तो उन पर डिपेंड, मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन अदरवाइज केरला एंड ऑल आई डोंट लाइक वेरी मच, डाउन साउथ इज सपोज टू बी ब्यूटिफुल बट इज़ नॉट माई सीन, आई लाइक द डेजर्ट ऑल्सो, राजस्थान, राजस्थान एंड द नॉर्थ इन इंडिया, बेस्ट प्लेसेज इन द वर्ल्ड। सैफ, इसी महीने होली है, तो आप इस रंगों के त्यौहार के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या मनाते हैं? ऐसा फेस्टिवल मैंने देखा ही नहीं है आज तक, इतना मतलब कमाल का फेस्टिवल है, और दिवाली भी, दोनों बहुत कमाल के हैं, इतने रंग, इतना मज़ा मैं दुनिया में नहीं देखा मैंने, कमाल है रियली, इट्स अमेजिंग, द विजुअल इज अमेजिंग। सैफ, कल हमने आपसे आपकी नई फिल्म के बारे में बात की थी, ये बताइए कि इस फिल्म की में सबसे ख़ास आपको क्या लगता है? इस पिक्चर में सबसे ख़ास बात तो कहानी है, मेरे ख्याल से एक काफ़ी ब्रेव कहानी है, और जैसे मैंने कहा था जो इश्यूज़ ये कहानी टच करती है, हर लड़की की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसी फिल्म मैंने तो नहीं देखी जो इतनी मतलब
एक नंगे रूप में इन इश्यूज को टैकल करती है. तो इट्स क्वाइट एन एडवांस्ड पिक्चर. आई होप पीपल डोंट रिजेक्ट इट बिकॉज ऑफ दैट. इस फिल्म में आपकी को स्टार प्रीति जिंटा हैं. तो जब आप पहली बार मिले तो फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा? मेरी फर्स्ट इम्प्रेशन ये थी कि ये इतना ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती हैं और बहुत रियलिस्टिक टाइप की लड़की लगती हैं. और जब मैंने उनको एक्टिंग करते हुए देखा तो मैं खुश था कि इस फिल्म में एक ऐसी लड़की है, एक ऐसे कैरेक्टर में जो बहुत सारी लड़कियां मेरे ख्याल से इस लड़की को पसंद करेंगी, क्योंकि ये इवन दो शी कैन लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस, दैट्स नॉट हर ओनली स्ट्रेंथ. शी इज़ नॉट ओनली गॉट लॉट्स ऑफ मेकअप एंड नाइस हेयर एंड नाइस क्लोथ्स एंड यू नो शी इज़ अ परफॉर्मर ऑल्सो एंड शी परफॉर्म्स लाइक अ समथिंग दैट आई थिंक वुमेन वुड लाइक टू आइडेंटिफाई विद. सैफ, सुबह सवेरे हमसे एक बार फिर से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज के लिए बस, कल फिल्म मिलेंगे.